का आज की ये मैं सबसे अच्छी और अनोखी जानकारी सिर्फ लड़कों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में जो लड़के भर्ती होते हैं, चाहे होना चाहते हैं या भर्ती होने की तैयारी करते हैं, उनके पढ़ाई के हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट होती है और उन्हें उस पोस्ट के अंतर्गत, आर्मी के अंतर्गत क्या काम करना पड़ता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 8वीं पास आर्मी की भर्ती देखते हैं तो किस पोस्ट को देखेंगे और आपका काम क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी और कितने महीने के बाद आपको रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन कितनी मिलती है, तो आज हम उसी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बताएंगे, जितने भी लड़के इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हैं उनके लिए जानना तो जरूरी है ताकि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग बढ़िया से कर सकें। ठीक है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताने जा रहा हूं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या करें। 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो भर्ती होने की पूरी जानकारी देंगे और आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे और आपका काम क्या रहता है। ठीक है, और इसी में से लड़के कमांडो कैसे बनते हैं, मतलब ब्लैक कमांडो कैसे, सारी जानकारी पैरा कमांडो, पैरा फोर्स में कैसे, सब बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे तो हमें आशा और विश्वास है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप भी नए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको दबा लेंगे तो जब भी रैली आती है आर्मी की, चाहे ट्यूटोरियल आर्मी की, चाहे स्पोर्ट भर्ती, कोई भी भर्ती आती है हम बता देते हैं। तो वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि 8वीं पास जो भर्ती आती है ना, वो ट्रेडमैन की भर्ती आती है इंडियन आर्मी के अंतर्गत। इसमें आप लोग को काम क्या होता है, साफ सफाई का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, कैंप संभालने का काम होता है और उसमें आपको बंदूक चलाना भी सिखाया जाता है ताकि लड़ाई के दौरान अगर सैनिकों की जरूरत पड़े तो आप भी वहां तैनात हो सकें। ठीक है, सैलरी आर्मी के हिसाब से ही मिलती है, इसमें कोई सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होती है, पेंशन उतनी ही बनती है, कैंटीन कार्ड आपको भी मिलता है, सारी फैसिलिटीज सेम टू सेम आपको आर्मी की ही तरह मिलती हैं, इसमें आपकी कोई कटौती नहीं की जाती। हाँ, थोड़ी बहुत सैलरी में नीचे होता है लेकिन उतना भी माइनर डिस्टेंस होता है, सैलरी बढ़िया होती है। ठीक है, इसमें हालांकि सभी को मालूम होता है 1600 मीटर दौड़ होती है, फिजिकल मेडिकल एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन पेपर आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं और इसे आप 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 10th पास क्या अप्लाई करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये तो 8वीं पास के लिए ट्रेडमैन के लिए थी, मतलब ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 10वीं पास के लिए। जितने भी लड़के क्लास 10th पास होते हैं वो खास तौर से आर्मी GD की भर्ती देखते हैं और GD की ही वही भर्ती होती है जिनमें से सेलेक्ट किया जाते हैं कमांडो के लिए लड़के, ट्रेंड करने के लिए सेलेक्ट किया जाते हैं, चाहे पैरा फोर्सेस के लिए, मतलब स्पेशल टीम जो भी बनती है, जैसे हमारे DM हो गए, उनके साथ ब्लैक कमांडो रहते हैं, चाहे कोई भी रहता है, तो ये GD में से ही लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, स्पेशली कोई नहीं आता है, डायरेक्ट इनकी भर्ती नहीं आती है कमांडो की, ये आर्मी में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है, ये सबसे बड़ी जानकारी थी। इनकी हाइट वगैरह तो 1.70 के आसपास होती है, ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकती है। फिजिकल मेडिकल प्रोसेस सब सेम होता है GD का, जैसा ट्रेडमैन का होता है, वही 1600 मीटर दौड़, ठीक है, और वही आपका मेडिकल और वही आपका एग्ज़ाम। इससे पहले मेडिकल फिजिकल वीडियो एग्ज़ाम की वीडियो पढ़ी होंगी आप, नीचे चैनल पे क्लिक करके और सारी वीडियो देख सकते हो, बगल में प्लेलिस्ट भी पड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी GD की, और एज आपको 17.5 से 21 साल के बीच में होती है GD की, 17.5 से 21 साल, और ट्रेडमैन में 18 से 23 साल होती है, मैंने एज बताना भूल गया, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए अब आगे कुछ स्पेशल जानकारी और बता देता हूँ। अगर आप 12th पास हो और 1.62 या 1.63 से ऊपर हाइट है आपकी, तो आप क्लर्क या टेक्नीशियन में जा सकते हो, उसमें काम क्या रहता है, ठीक है, उसका काम मैं बता देता हूँ। जैसे आर्मी में गन होती है, बंदूक होती है, या कंप्यूटर पे कोई काम करना रहता है, या मतलब कहीं कैंप में भर्ती कराना होता है, या आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर करना होता है, या सारी निगरानी करनी पड़ती है, तो इसके अंतर्गत ये टेक्नीशियन वालों और क्लर्क वालों का काम आता है। ठीक है, और ये 12th पास हमेशा भर्ती आती है, परसेंटेज बढ़िया चाहिए
होता है, इसमें सिर्फ दौड़ निकालना ज़रूरी होता है। फिजिकल मेडिकल पे कोई नंबर नहीं मिलता, सिर्फ इसमें एग्ज़ाम पे नंबर मिलता है, ठीक है। और इसकी एज लिमिट 23 साल तक होती है, ठीक है। तो इसकी ये मैंने खास जानकारी आपको बता दी जो 12th पास लड़के होते हैं वो कैसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। अगर इसके बाद भी आप बावजूद आपकी उम्र बीत गई है, उम्र अधिक हो गई है, फिर भी भर्ती देखने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो टटोरियल आर्मी यानी टीए की एक भर्ती आती है, ठीक है। खास तौर से इसे लड़के 42 साल तक देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लड़के 30 साल तक देखते हैं, क्योंकि 30 साल के बाद तो खुद शादी बच्चे हो जाते हैं, कौन उतना जाएगा दौड़ने दौड़ बनाने, और आर्मी की दौड़ में ही तो दम होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मली होता है, ठीक है। तो यहाँ तक टीए में ये जीडी की तरह होती है, ठीक है, अलग से इसका बैच आती है, भर्ती आती है ऑफिसर रैंक पे, ऑफिसर रैंक पे नहीं, ऑफलाइन भर्ती होती है, डायरेक्ट आपको जाना पड़ता है, जोन वाइज ये रैली आती है, अटेंड करना पड़ता है, रैली निकालने के बाद ही तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो भी जारी होता है होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ बातें बताई, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या उम्र बीत गई है तो टटोरियल आर्मी की भर्ती, इन सब भर्तियों का जो भी होता है काम आपको मैंने बता दिया, देश के बॉर्डर की सेवा करना, ठीक है, आर्मी का सारा काम करना, पेंशन वगैरह सब में मिलती है आर्मी में, ठीक है, और साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज सारी मिलती हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान चाहे लाहौर मतलब ऐसे कहीं बॉर्डर पे हों, जम्मू कश्मीर ऐसे सब बॉर्डर पे हों, तो आपको सैलरी 1,00,000, 1,10,000, 80,000, 90,000 सैलरी बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल बॉर्डर पे हो तो सैलरी कम रहती है। ये होता है इंडियन आर्मी में प्रॉफिट, ठीक है, और साथ ही साथ देश का सेवा करने का मौका मिलता है। तो यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि अगली जानकारी आप लोग के लिए बेनिफिट हो। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम था राकेश यादव, ज्वाइन इंडियन आर्मी चैनल की तरफ से जय हिंद जय भारत।